Assalam o Alaikum friends. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो मेरा इससे पहले का जो टॉपिक मैंने अपलोड किया था जिसका नाम है किब्रियम एंड स्टाइफ फिक्स जिसमें मैंने फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन भी बताया था तो उसमें कमेंट्स में कमें से कहा गया था पूछा गया था कि आप स्टेबलाइजेशन की कोई एग्जाम्पल दें तो स्टेबलाइजेशन की एग्जाम्पल ये स्टेबलाइजेशन होता क्या है तो स्टेबलाइजेशन का मतलब है रैलेटिव इमोबिलिटी अब जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये बात इससे रैलेटिव है मतलब ये बात इससे मिलती जुलती है ठीक है अब रैलेटिव मोबिलिटी का मतलब पहले समझो रिलेटिव मोबिलिटी का मतलब ये है कि ये वो जो अगर हम कोई भी मूवमेंट करवा रहे हैं तो मूवमेंट में क्या होगा कि बहुत 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 से area और बहुत से से मसल्स एरिया और जॉइंट बोन्स वो इन्वॉल्व होंगी मतलब वो उससे रिलेटिव होंगी जो कि उसको हेल्प कर रही होंगी मूवमेंट में तो अब रिलेटिव इमोबिलिटी का मतलब है कि स्टेबिलाईजेशन का मतलब रिलेटिव इमोबिलिटी है का मतलब स्टेबिलाईजेशन उन बॉडी पार्ट्स पार्ट उन एरिया को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है जो कि उस मूवमेंट में हमें रिक्वायर्ड नहीं होती वो मूवमेंट तो करवा रही होती है लेकिन हम उसको स्टेबलाइज करवा देते हैं तो वो मूवमेंट नहीं होती वो वाला एरिया इन्वॉल्व नहीं होता अब जैसे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है अब उसने क्या करवाना है कि फोर आर्म जो है ये हमारा फोर आर्म है उसकी उसने फ्लेक्शन करवानी है फिजियोथेरेपिस्ट ने अब वो क्या करेगा वो अब जब फोर आर्म की फ्लैक्शन करवाया तो उसका शोल्डर भी मूव कर रहा है उसकी एल्बो भी कर करिए मूव उसकी ब्रेस्ट की भी फ्लेक्शन मूवमेंट uh, हो रही है जो फिज्योथेरेपिस वो चाह रहे हैं कि सिर्फ उसकी जो फोर आर्म में रेस्ट या एल्बो वो इन्वॉल्व हो बाकी जो बाकी जो चीज़ें बाकी जो एरिया वो इन्वॉल्व ना हो शोल्डर इन्वॉल्व ना हो तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा कि वो जो शोल्डर uh, है उसको स्टेबलाइज कर लेगा उसको ग्रिप कर लेगा तो वो क्या होगी कि वो शोल्डर जॉइंट वो स्टेबलाइज हो जाएगा और वो फिर मूवमेंट नहीं होगी उसकी मूवमेंट नहीं होगी बाकी जो फोर आर्म है वो मूवमेंट उसकी मूवमेंट हो जाएगी तो ये स्टेबलाइजेशन की एग्जांपल है अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द प्लेन ऑफ मूवमेंट एंड ग्रेविटी ये टॉपिक भी मैंने काइनासोलॉजी की बुक से लिया है चैप्टर वन और कानासोलॉजी की बुक जो है वो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाई डीना गार्डनर इससे पहले जो चैप्टर वन में जो टॉपिक्स थे उसकी भी मैंने वी, आ, वीडियो बनाएंगे और उसका लिंक आपको शोर होगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी आप वहां से जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं अब इससे भी द प्लेन ऑफ मूवमेंट एंड ग्रेविटी से पहले भी एक फ़िक्सेशन और स्टेबलाइजेशन के बाद एक टॉपिक आता है एक्सेज एंड प्लेन उसके बाद ये वाला टॉपिक है द प्लन ऑफ़ मूवमेंट एंड ग्रेविटी एक्सिस एंड प्लेन का जो टॉपिक है वो मैंने पहले ही समझाया हुआ है उसकी वीडियो भी बनाई हुई है उसका लेक्चर भी अपलोडेड है आप वहाँ उसका मैं लिंक ऊपर डाल दूँगी आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द मूवमेंट द प्लेन ऑफ द मूवमेंट एंड द ग्रेविटी अब इसका क्या मतलब है कि Uh, हमने इस uh, जो टॉपिक है उसमें ये देखना है कि कोई भी प्लेन में जो भी मूवमेंट हो रही है उसका ग्रेविटी पे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट हो रहा है उस मूवमेंट पे जो कि उस प्लेन में हो रही है ठीक है अब हम पहले देखते हैं कि मूवमेंट इन द हॉर्जोनटल प्लेन हॉर्जोनटल प्लेन में जो मूवमेंट हो रही है उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये जो मूवमेंट होती है उसको हम ग्रेविटी फ्री भी कहते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे इस वाले प्लेन में हॉर्जोंटल प्लेन में जो मूवमेंट हो रही है उसका ग्रेविटी जो है अफेक्ट है वो निल है कोई ग्रेविटी उस पर जो है अपना अफेक्ट नहीं डाल रही है तो इसलिए इसको ग्रेविटी फ्री मूवमेंट भी कहते हैं एग्जांपल जो है ये बुक्स वाली एग्जांपल है जो लिखी हुई है वीक वी मसल विच आर अनएबल टू प्रोड्यूस मूवमेंट मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी कैन ऑफन सक्सीड द पार्ट मूव इज सपोर्टेड हॉर्जोटली वेर ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इसका मतलब है कि अब एक पेशेंट है ठीक है उसके मसल्स वीक हैं अब वो ना अपनी मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं कर पाता कर सकेगा क्योंकि अब देखो जिसके मूवमेंट मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आसानी से ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कर लेंगे लेकिन जिनके मसल्स वीक होते हैं उन पेशेंट में क्या होता है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर पा कर सकते अब क्या होगा कि अगर हम उस वो जो वीक मसल है अगर हम उसको हॉर्जोनटली सपोर्ट करें हॉर्जोनटली उसको सपोर्ट करके मूवमेंट करवाएं तो क्या होगा कि वो आसानी से पेशेंट वो वाली मूवमेंट कर कर लेगा क्योंकि वहाँ पे जो ओनली ओनली uh, कोई फो, जो फ़ोर्स होगी क्योंकि ग्रेविटी तो होगी नहीं हॉर्जोंटली सिर्फ क्या फोर्स होगी फ्रिक्शन रजिस्टेंस होगी फ्रिक्शन रजिस्टेंस को भी हम आगे देखेंगे सिर्फ फ्रिक्शन रजिस्टेंस ही फोर्स होगी ग्रेविटी नहीं होगी ठीक है अब जैसे कि आप uh, पेशेंट है अब आप उसको उसको आपने फ्लेक्शन ही करवानी है ठीक है अब अब वो फ्लेक्शन यू करके आप जैसे रिस्ट की है रिस्ट की जो अगर उसने फ्लेक्शन करवानी है तो वो यूं करके नहीं कर सकता क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या फोर्स लग रही है तो हम क्या करेंगे उसको हॉर्जेंटली किसी टेबल पे नीचे टेबल पे रख के और यूं हॉर्जोनटली मूव करवाएंगे ताकि ग्रेविटी है वो एलिमेट एलिमिनेट हो जाए और पेशेंट जो है आसानी से मूवमेंट कर सके इस तरह हम प्लेंथ पे जब पेशेंट को लिटाते हैं और उस मूवमेंट कराते हैं तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वाली नहीं करवाएंगे उसकी जो लेग पे अगर हम मूवमेंट कराएंगे तो वो भी हम हॉर्जोंटली करवाएंगे ताकि वो आसानी से कर ले अब जो दूसरा हमारे पास है मूवमेंट इन द दर्टिकल प्लेन वर्टिकल प्लेन में जो मूवमेंट हो रही होती है वो दो तरह की हो रही होती है अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट पहले तो आप लोग कंफ्यूज uh, हो रहे होंगे कि हॉर्जोंटल प्लेन में जो था कि हमने पीछे एक्सिस और प्लेन में पढ़ा था कि वहाँ रोटेशंस मूवमेंट होती हैं लेकिन वहां पे क्या था कि एक्सिस और प्लेन की बात हो रही थी यहाँ पे सिर्फ प्लेन की बात हो रही है एक्सेस नहीं है प्लेन एक सरफेस होती है ठीक है सिर्फ यहाँ पे एक प्लेन सरफेस की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल एक सरफेस है उसकी बात हो रही है एक्सिस अगर इसमें शामिल होता है तो फिर हम रोटेशन की बात करते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लेन की बात हो रही है अब हम वर्टिकल प्लेन में देख लेते हैं हमारे पास दो तरह की मूवमेंट हो रही है कि हम वर्टिकल प्लेन में मूव करते हैं तो हम अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं या तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही होती है अब जब हम आ, किसी भी अब माउंटेन पर रहे हैं या स्टेयर्स पर रहे हैं ठीक है तो क्या होगा कि जो पेशेंट जो बंदा है उसके क्या होंगे कि मसल्स जो होंगे वो कंट्रैक्ट होंगे और, और क्योंकि वहाँ पे वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है ठीक है अब जब वो ऊपर जब चढ़ेगा माउंटेन पे चढ़ने लगेगा तो उसके मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा हो जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इसीलिए वो चल पाएगा अगर मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है अगर वो ग्रेविटी से कम आ, कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो वो, वो उस माउंटेन पर या स्टेयर्स पर नहीं चढ़ पाएगा उस लिए ज़रूरी है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से तो अपवर्ड मूवमेंट हो सकेगी इसी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है जब इसने स्टेयर uh, से नीचे उतरना है इस बंदे ने अब यहाँ पे ये यह वर्टिकल Uh, uh, जो है वर्टिकल प्लेन तक ये आ गया ये ठीक है थीके? अब टॉप पे आ गया अब इसने नीचे उतरना है तो हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो उसको नीचे लेकर आएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी है जो कि इसको अट्रैक्ट करेगी और उसको डाउनवर्ड नीचे लेकर आएगी ठीक है ये इजी से कॉन्सेप्ट है अब थर्ड जो है हमारे पास मूवमेंट इन द इंक्लाइंट प्लेन जो ये uh, इसमें जो मूवमेंट होती है इंक्लाइंट प्लेन मतलब कि आप इंक्लाइंट में अपवर्ड मूव कर रहे हो और फिर नीचे आ रहे हो ठीक है इसमें दो तरह की मूवमेंट होती है लेकिन वो होगी हमारे पास इंक्लाइन में जो हमने पीछे देखी है वो वर्टिकल है लेकिन ये इंक्लाइन में मूवमेंट होगी इस पर हम इंक्लाइन में अपवर्ड जा सकते हैं और डाउनवर्ड आ सकते हैं अब इसमें बाद एक लिखी हुई है द रेजिस्टेंस टू द मसल इज लीज वन द इंक्लाइन इज नियरली हॉर्जोंटल एंड इंक्रीज एज इट अप्रोचिज द वर्टिकल इसका मतलब ये है कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन नियरली हॉर्जोंटल हो जाए ठीक है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के करीब आ जाए ठीक है हॉरिजॉन्टल प्लेन के करीब आ जाए तो क्या होगा जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी जो रेजिस्टेंस मतलब कि जब आप देखो अब बंदा जो एक इन पर चढ़ रहा है ठीक है अब आ, जो आ, मसल्स जो उसकी मसल जो हैं वो उसके कॉन्ट्रैक्ट कं, हो रहे हैं और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड है ठीक है अब जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड है तो वो ऊपर Uh, उसकी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वो ऊपर चढ़ रहा है लेकिन जब ये हमारे पास इंक्लाइंट प्लेन है हॉर्जोंटल के करीब आ जाएगा तो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस हमें फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही थी मसल पे जो रजिस्टेंस uh, लग रही थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो कम होगी हॉर्जोनटल पे वो कम हो जाएगी ठीक है हॉर्जोंटल पे वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी मसल पे जो लगेगी क्योंकि मसल्स जो हैं वो फिर कॉन्ट्रैक्ट कम करेंगे और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन अगर ये इंक्लाइन प्लेन जो है ये अगर वर्टिकल के करीब आ जाए मतलब वर्टिकल एक्सेस के करीब आ जाए तो क्या होगा कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस लग रही थी मसल ऑफ मसल इस पेशेंट के या इस बंदे के मसल्स पे जो लग रही थी वो क्या होगी वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी ये हमारे पास था इसका कॉन्सेप्ट uh, अब हम देख लेते हैं uh, जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो बहुत ही इजी है हमने उसको बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ भी है और uh, इतना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन uh, ये आपको एम में भी आपसे एम uh, में भी आपको ये पूछ सकते हैं ठीक है अब हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या है इसलिए मैंने आपको ये बुक से ही समझा रही हूँ इसका मैंने कुछ ऐसे नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ डेफिनेशन हैं ठीक है अब स्पीड हम देख लेते हैं स्पीड जो है वो क्या होती है स्पीड सबको पता है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में मैट्रिक और एफ एस सी में कि स्पीड क्या होती है इज़ अ रेट एट विच बॉडी मूव्स एंड टेक्स नो अकाउंट ऑफ डायरेक्शन ठीक है स्पीड में हमारे पास टाइम और डायरेक्शन टाइम डिस्टेंस होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती जैसे कि कार हैज अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर एन आर मतलब एक कार जो है वो सिक्सटी किलोमीटर पे एक घंटे से सिक्सटी किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है ये हमारे पास स्पीड है ठीक है अब स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी ठीक है जब इफ द कार ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एवरी सेकेंड दैट इट मूव्स कार uh, जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म तब होगी कार की जब वो एक ही जो डिस्टेंस uh, है वो हर दफ़ा वही डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करे मतलब एक घंटे में अगर वो तो सिक्सटी किलोमीटर्स तो चल रही है तो दूसरे घंटे में भी वो सिक्सटी करेगी इस तरह वो तीसरे घंटे में भी सिक्सटी करेगी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है अब क्या होगा बट इफ़ इट स्लोस डाउन एट अ टर्निंग एंड देन इट इंक्रीजेज़ स्पीड अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम स्पीड इज़ वेरिएबल ठीक है इसका मतलब ये है कि अगर आ, वो कोई टर्न आ जाता है बीच में तो वो अपनी स्पीड को कार जो स्लो हो जाती है कार की स्पीड तो फिर दोबारा से वो टर्न लेके दोबारा से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो उसका मतलब है कि वो उसकी जो स्पीड है कार की वो वेरिएबल हो रही है चेंज हो रही हो रही है ठीक है बट एवरेज स्पीड ऑफ अ गिवन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड लेकिन हम स्पीड जो है हम, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम ये सबको पता है फार्मूला अब स्पीड स्पीड ऑफ रिलैक्स पैसिव मूवमेंट अब हम पैसिव uh, मूवमेंट uh, में भी स्पीड देखेंगे और स्पीड हम एक्टिव मूवमेंट में भी देखेंगे पहले हम देख लेते हैं स्पीड जो है पैसिव मूवमेंट में पैसिव मूवमेंट में हमारे पास दो तरह की क्लासीफिकेशनस होती हैं पहली तो होती है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट और दूसरी होती है पैसिव मैनुअल मोबलॉजेशन टेक्निक ठीक है अब हम रिलैक्स पैसिव मूवमेंट में बात करें कि उसमें स्पीड का क्या रोल है द स्पीड एट विच द पैसिव मूवमेंट इज परफॉर्म मस्ट बी स्लो एंड यूनिफॉर्म सो दैट द रिलेक्सेशन कैन भी मेन्टेन इसका मतलब ये है कि स्पीड जब भी आप कोई भी पैसे मूवमेंट कर रहे होते हो तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी स्पीड को स्लो और यूनिफॉर्म रखोगे ताकि आपको रिलैक्सेशन जो है आपकी वो मेंटेन रहे ठीक है अब हम स्पीड ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज देख लेते हैं इसमें हमारे पास नेचुरल स्पीड होती है रिड्यूस स्पीड होती है इंक्रीज स्पीड होती है नेचुरल स्पीड में क्या है दे इज़ अ नेचुरल स्पीड फॉर एवरी एक्सरसाइज विच वे। वेरीज टू तो सम समस्टेंट फॉर ईच इंडिविजुअल एंड इन जनरल दिस इज़ द स्पीड एट विच एक्सरसाइज शुड बी डन ये नेचुरल स्पीड क्या है कि हर एक्सरसाइज़ की एक अपनी नेचुरल स्पीड होती है और वो हर इंडिविजुअल और हर पर्सन में वो वैरी करती रहती है, है जैसे कि आप एक हेल्दी पर्सन है और एक जो है पर्स बंदा है ठीक है अब हेल्दी पर्सन अगर वो एक्सरसाइज दोनों सेम एक्सरसाइज करें हेल्दी पर्सन जब वो कर, एक्सरसाइज करेगा तो वो उसके लिए कोई और स्पीड होगी वो उसकी नेचुरल स्पीड होगी अब जो स्लिम बंदा वो कर रहा होगा वही एक्सरसाइज कर रहा होगा उसके लिए कोई और स्पीड होगी और वो उसके लिए नेचुरल स्पीड होगी ठीक है द इफेक्ट ऑफ मैनी एक्सरसाइज कैन बी मोडिफाइड हाव बाई एन अल्टरनेशन द स्पीड ऑफ देयर परफॉर्मेंस जो एक्सरसाइज का इफेक्ट है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं कि हम स्पीड को चेंज अपनी मर्जी से कर सकते हैं अगर हमने स्पीड को हम स्लो करना चाहते हैं तो हम आ, हम उसका जो एक्सरसाइज का इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा अगर हम स्पीड को फास्ट करेंगे एक्सरसाइज को फास्ट स्पीड पे करेंगे तो उस एक्सरसाइज का जो इफेक्ट है वो कुछ और हो जाएगा ठीक है अब हम देख लेते हैं रिड्यूस स्पीड रिड्यूस स्पीड में क्या होता है एक्सरसाइज डन मोस्ट स्लोली रिक्वायर ग्रेटर मस्कुलर एफर्ट एंड मोर कंट्रोल एक्सरसाइज जो होती हैं अगर हम उसको बहुत ही स्लोली परफॉर्म करें ठीक है स्लो स्पीड पे करें तो उसके लिए हमें ग्रेटर मस्कुलर एफर्ट की ज़रूरत होती है एंड मोर कंट्रोल और हमें उसमें बहुत ही कंट्रोल और एहतियात से उसको करनी पड़ती है क्योंकि हम स्लो बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे होते हैं ठीक है डिक्रीज़ इन द स्पीड ऑफ़ रिपीटेड मूवमेंट इन शोर टाइम फॉर फुल रेंज ऑफ मूवमेंट अब इसका मतलब यह है कि जब हम भी रिपीटेड मूवमेंट कर रहे होते हैं ठीक है वो रिपीटेड मूवमेंट हम क्यों कर रहे थे क्योंकि जब हम स्पीड जब हमारी स्लो हो रही है तो हमें टाइम भी ज़्यादा जाहिर लग रहा है तो हम क्या करेंगे वो फुल रेंज मूवमेंट Uh, जो uh, हमने फुल रेंज मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे रिपीटिव मूवमेंट करेंगे ताकि वो जो हमारा टाइम जो लॉस्ट uh, हो रहा है उसमें स्लोली uh, एक्सरसाइज uh, करने में तो वो रिकवर हो सके इंक्रीज स्पीड इंक्रीज स्पीड में क्या रैपिड मूवमेंट आल्सो रिक्वायर स्ट्रांग मस्कुलर एफर्ट मोमेंटम इज गेन अब रैपिड मूवमेंट का मतलब है कि जब हम uh, इंक्रीज स्पीड में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी हमें मस्कुलर एफर्ट जो है स्ट्रॉग चाहिए होती है लेकिन उसके क्या होता है कि बट मोमेंटम इज़ गेन लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो मोमेंटम है हम मोमेंटम गेन हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा उसमें स्पीड की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट जो हमारी होती है स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है एंड दिस में हेल्प टू इंक्रीज़ द रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट प्रोवाइडेड द डायरेक्शन इज नॉट रिवर्स बिफोर द फ्री लिमिट इज रीच और इसका मतलब है कि ये हम जो ये वाली स्पीड है जब हम हम फास्ट मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो आ, वो आ, रिवर्स नहीं हो सकती जब तक फ्री लिमिट जो फ्री लिमिट जो है वो आ, आ ना जाए मतलब जैसे कि अगर आप फास्ट स्पीड पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप उसको करते ही रहोगे करते ही रहोगे क्योंकि आप जब तक वो फ्री लिमिट नहीं आएगी और आप तब तक उसकी जो डायरेक्शन है एक्सरसाइज की वो चेंज नहीं हो सकती एक्सरसाइज परफॉर्म रैपिडली आर स्टलेटिंग बट फ्रीकवेंटली लीड टू इन एक्क्यूरेट और ट्रिक मूवमेंट एंड फुल रेंज ऑफ मूवमेंट इज रियली अचीव अब एक्सरसाइज जो होती है रैपिडली करने से क्या होते हैं वो हम एक्सरसाइज रैपिडली तो कर रहे होते हैं और वो स्टिमुलेट कर रही होती है लेकिन क्या होता है कि हम उस रैपिड स्पीड की वजह से क्या होता है कि हम हनएकोरेट uh, मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं ठीक है जो कि जिसकी वजह से क्या होता है फुल रेंज मूवमेंट जो होती है वो अचीव नहीं हो सकती बहुत ही मुश्किलों से या बहुत ही कम अचीव होती है फिर हम देख लेते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी सबको पता है क्या होता है द नेशन ऑफ द वेलोसिटी इन कम नॉट ओनली द रेट ऑफ मोशन बट आल्सो द डायरेक्शन अब वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी इसमें मोशन डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट थाउजेंड किलोमीटर एन आर इन ईस्टर्ली डायरेक्शन मतलब इसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी अ चेंज इन ईदर स्पीड और डायरेक्शन टू बी अल्टर वेलोसिटी अगर हम स्पीड को या डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी वर्क क्या होता है वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस टू विच द फोर्स एक्ट वर्क क्या होता है ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्टेंस का जिसके थ्रू जो है हम फोर्स जो होती है वो एक्ट कर रही होती है इट इज़ मयड इन जाउल और एग एगवर्स मतलब कि जैसे मैंने ये आ, कोई भी बॉक्स उठा के इधर से दूसरी जगह पे रखना है तो ये मैं वर्क कर रही हूँ मतलब एक डिस्टेंस uh, कवर कर रही हूँ फोर्स लगा के डिस्टेंस कवर कर रही हूँ एनर्जी क्या होती है एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी फॉर डूइंग वर्क मतलब कि आप जो भी आप काम कर रहे हो आ, 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 आप आपकी जो बॉडी कैपेसिटी है उस काम करने की उसको हम एनर्जी कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज़ द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क बाय द वर्च्यू ऑफ पोजिशन मतलब कि किसी भी पोजिशन की वजह से आप की जो बॉडी uh, की कैपेसिटी है वो काम करने की उसको हम पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे इट कैन बी कम इन एम सी क्यू एम सी क्यू उसके लिए हो सकते हैं बॉडीज कैपेसिटी फॉर डूंगिकटिक एनर्जी मतलब कि अगर आप विलॉसिटी की वजह से आपकी बॉडी जो वर्क रही है उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम कानेटिक एनर्जी कहेंगे फिर हम पावर को देख लेते हैं पावर जो है पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर ठीक है आप कोई भी काम कर रहे हो और कितने टाइम में कर रहे हो ये हमारे पास पावर है इट इज मैर हैं जाउस पर सेकेंड और एगर्स पर सेकेंड एक्सेलरेशन क्या होता है इज द तो रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी सबको तो पता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा कॉजिज एन इंक्रीज और डिसलरेशन और रिटार्डेशन और डिक्रीज इन विलासिटी अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी आ, जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव एक्सेलेशन होगा और जब हमारे पास दिक, डि डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा रिटार्डेशन और डिसलेशन होगा ठीक है अब मूवमेंट अंडर ग्रेविटी अब मूवमेंट जो हो रही है अंडर ग्रेविटी वो क्या गलीलो ड्रॉप हैवी बॉडीज फॉर्म द लीनि टॉवर ऑफ पीज़ा एंड ऑल बॉडीज इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेट आर सब्जेक्ट टू द सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज द फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो साइंटिस्ट है गलीलो उसने क्या किया था कि हैवी बॉडीज जो थी उसने टॉवर से नीचे ड्रॉप की थी तो क्या उसने नोटिस किया था कि आ, अगर हम उनके वेट को कंसिडर ना करें तो क्या होगा कि वो जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेशंस पे गिरेंगे आ, एज द फ्री फॉल फ्री फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी क्योंकि वो सेम यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन पे गिरेंगे एज अ फील जैसे कि वो फ्री फॉल जो हो रही है अंडर द ग्रेविटी जो है फ्री फॉल मतलब कि सिर्फ वहाँ पे ग्रेविटी ही हो और कोई भी फोर्स ना हो फ्री फॉल का ये मतलब है ठीक है अगर हमारे पास अगर हम वेट को कंसिडर नहीं करते तो क्या होगा कि सारे सब जो ऑब्जेक्ट हैं जिनको भी हम ड्रॉप करेंगे उनकी सेम यूनिफॉर्म एक्सेलेशन होगी ठीक है और अगर हम उसको फ्री फॉल गिराएं ठीक है या मूवमेंट अंडर ग्रेविटी है अब मोमेंटम क्या है द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द क्वान्टिटी ऑफ मोशन एंड प्रोसेस मतलब कि मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी बॉडी में उसकी उस की मोशन uh, की क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहते हैं ठीक है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ठीक है मास और वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम कह, कहते हैं द फोर्स रिस्पांसिबल फॉर द मोमेंटम जनरेट मूवमेंट स्लोली इन द रिस्पेक्ट इन अ रिलेटिवली हैवी बॉडी एंड मोर रैपिडली इन द लाइटर बॉडी अब क्या होता है कि फोर्स uh, जो है हमारे पास मोमेंटम जो है वो उनमें ज़्यादा होगा जो कि जिसमें क्या होगा मूवमेंट जो होगी वो स्लोली होगी इन हैवी बॉडी इन अ हैवी बॉडी मतलब कि अगर मैथ ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ज़्यादा होगी और मैथ और विलोसटी का डायरेक्टली रिलेटेड है मतलब एक चीज़ ज़्यादा होगी इन दोनों में से एक चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो मोमेंट मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा जैसे कि अगर हैवी बॉडी है ठीक है अब हैवी बॉडी का मतलब मैथ ज्यादा है तो क्या होगा मोमेंटम भी ज़्यादा होगा लेकिन क्या होगा कि मोर रैपिडली इन द लाइटर बॉडी लेकिन लाइटर अगर मैथ कम है तो क्या होगा जो मोमेंट मूवमेंट होगी वो मोर रैपिडली जनरेट होगी लेकिन मोमेंटम जो होगा वो कम हो जाएगा ठीक है अगर uh, अगला टॉपिक जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी uh, इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन uh, पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच